हुआ। मैं ऑडिबल नॉट क्लियर सर। सर क्लियर नहीं सर।
Hello everyone. There are still disturbing HR students. Who button is it? Sir? Sir, sound जो अच्छा से clear नहीं हो रहा है. Clear नहीं हो रहा है. लेकिन फिर भी आज ध्यान दीजिए. मैं कल तक कुछ मतलब कुछ कुछ try करता हूँ कल तक. आज वैसे भी मैं थोड़े देर पहले पहुंचा हूँ. तो आज कैसे भी करके ध्यान दीजिए. अगर ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो मैं ये क्लास को रिपीट कर दूंगा. ठीक है? ओके. एनीवे बेसिकली हम कंपास सर्वे और ट्रेवर्सिंग का एक कंबाइंड टॉपिक को हम आज मतलब एड्रेस करने वाले हैं. ये जो टॉपिक है बेसिकली मीन्स को हम बोलते हैं क्लोजिंग एरर. ओके, क्लोजिंग एरर या बैलेंसिंग बोलते हैं इसको. ओके, अब मैं समझ रहा हूँ ये मेरा माइक के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. इको का प्रॉब्लम भी ये माइक के वजह से ही है. तो एनीवे आज कैसे भी करके आप लोग इसको झेल लो. ठीक है? मतलब मेरे लिए झेल लो. कल तक मैं इसको कुछ ना कुछ करता हूँ मैं इसका. एनीवे हम बात कर रहे हैं कि ट्रेवर्सिंग और कंपास सर्वे का एक कॉम्बाइंड पार्ट होता है. और पहले कुछ साल पहले तक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन आता रहता था. लास्ट कुछ सालों में मैंने ये ज्यादा क्वेश्चन देखा नहीं है यहाँ से. तो ऐसा होने पर मतलब इस तरह का क्वेश्चन जब होता है कि बहुत साल आ गया था अभी आना थोड़ा सा कम हो गया है तो हमें ज्यादा डाउट होता है इस तरह का क्वेश्चन फिर से आने का चांसेस ज्यादा होता है. ओके, तो मैं एग्जिट में बोलूंगा कि ये आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन फिर भी आप लोगों को इस तरह का न्यूमेरिकल को एक बार ध्यान से देखना है. ओके, तो इस तरह का न्यूमेरिकल को हम बोलते हैं बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स. ये कंपास सर्वे का पार्ट ही होता है और ये ट्रेवर्सिंग मेथड के साथ रिलेटेड है. तो कभी कभी ये ट्रेवर्सिंग जो आप लोग का चैप्टर होता है और ट्रेवर्स सर्वे तो उसके अंदर में भी ये आ जाता है. ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स. और बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे. ओके, तो टॉपिक को हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे. बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स. अब बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स मतलब क्या होता है. जब भी आप लोग एक क्लोज ट्रेवर्स को कंसिडर करते हो, क्लोज ट्रेवर्स मतलब उसका स्टार्ट पॉइंट उसका एंड पॉइंट में आके मिलता है. ठीक है? समझ लीजिए ए से बी तक गया, बी से सी तक गया हमने, सी से डी तक आ गया, डी से ई तक आ गया हमने और ई से हमें वापस ए तक आना है. ओके, ये है क्लोज ट्रेवर्स. ओके, तो समझ लीजिए आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन किया है तो अच्छे से आप लोगों का पूरा क्लोज हो गया. तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बैलेंस थे ऑलरेडी. लेकिन अगर किसी कारण से आपका जो एंड पॉइंट था ई वाला, ई से लेके ए तक जो लाइन था वो ए में ना आके किसी और दूसरा पॉइंट पे आ जाता है तो ठीक है. समझ लीजिए मैं यहां से यहां तक कंसिडर कर रहा हूं, ई पॉइंट से ये यहां पे आ गया, ए डैश पॉइंट पे आ गया. अब देखिए दो तरह का एरर है यहाँ पे. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ये लाइन का जो लेंथ है मतलब इस लाइन का ए लाइन का लेंथ हमारा होना चाहिए था ये एक्स वन लाइन हमारा होना चाहिए था. ओके, मैं एक स्ट्रेट लाइन को यहां से कंसीडर करता हूँ. मुझे एक्चुअली ये लाइन मिलना चाहिए था. ठीक है? लेकिन मुझे मिला ये नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे मिला दूसरा. ओके, तो यहाँ पे लेंथ में भी प्रॉब्लम है साथ ही साथ डिरेक्शन में भी प्रॉब्लम है. ओके, तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. ठीक है? यहाँ पे हमें क्लोजिंग एरर इसको बोलते हैं. तो अगर हमें लाइन इस तरह से मिला है तो हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा इस तरीके से. ओके, तो इस पार्ट का जो लेंथ होगा, इस पार्ट का जो डिरेक्शन होगा, उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स. ओके, तो बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स बोलने पर क्या होता है कि आप लोग मैं ये चीज बता देता हूँ. तो जब भी क्लोज ट्रेवर्स कंसिडर करता हूँ हम, तो यहाँ पे हमें जो लेटिट्यूड एंड डिपर्चर होते हैं उसको हमें कंसिडर करना होता है. अब लेटिट्यूड क्या है, डिपर्चर क्या है, उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं.
चलो जैसे ए बी लाइन को मैं दूसरी तरह से यहां से यहां पे ड्रॉ करता हूँ, ए बी लाइन को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूँ, ये टिपिकल मेरा ए बी लाइन को मैं यहां पे जस्ट आपने उसको कंसिडर कर दीजिए ए। अब मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करने वाला हूँ, एक मतलब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह अगर हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली ए पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, बी पॉइंट वहां से जा रहा है, तो उसका अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसका अगर शैडो को कंसीडर करेंगे, ओके, तो इस चीज को यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो एक्स एक्सिस में जो इसका शैडो है वो ये लाइन यहां से लेके यहां तक, ओके, और वाई एक्सिस में जो शैडो है, वाई एक्सिस में जो शैडो है उसका कलर को थोड़ा अलग कर देता हूं, वाई एक्सिस में शैडो हमारा कुछ इस तरह से होगा, मतलब जो लाइट आप लोग देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, तो जब भी हम ए से लेके बी तक जाएंगे तो नॉर्थ डिरेक्शन में इतना जाएंगे और ईस्ट डिरेक्शन में इस तरह से जाएंगे, ओके, तो नॉर्थ में भी हम आगे बढ़ रहे, ईस्ट में भी हम आगे बढ़ रहे, हर एक डिरेक्शन हर एक लाइन में आप लोग कुछ ना कुछ ईस्ट की तरफ कुछ ना कुछ नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ नहीं जाने पर आप लोग साउथ की तरफ जा सकते हो, तब हम निगेटिव में कंसिडर करेंगे, ईस्ट के जगह आप लोग अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो हम निगेटिव की तरफ रहते हैं, ओके, तो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि एक क्लोज ट्रेवल्स में टोटल लैटिट्यूड एंड डिपर्चर क्या होता है, ठीक है, और लैटिट्यूड क्या होता है उसके बारे में भी हम पहले देख रहे थे, ओके, ओके, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे लैटिट्यूड, इसका दूसरा नाम है नॉर्थिंग, ओके, और इस पार्ट को हम बोलेंगे डिपर्चर और इसको हम बोलते हैं ईस्टिंग, ओके, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप लोगों को कंसिडर करने के लिए बोलूं, जैसे कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लीजिए आप लोग, मतलब आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, अगर आपका पॉइंट यहां से लेके यहां तक जाते हैं तो ये पॉजिटिव डिरेक्शन में नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, साथ ही साथ ये पॉजिटिव डिरेक्शन में ईस्ट की तरफ भी जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है, साथ ही साथ इसका डिपर्चर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डिपर्चर भी होगा, ओके, अगर आपका लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मैं मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा तो देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से जा रहा है तो आप लोग देख सकते हो कि ये यहां से कहां तक गया, यहां तक गया, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ईस्ट की तरफ नहीं वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा कंडीशन में आप लोग देख सकते हो ये नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव जा रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो निगेटिव ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड पॉजिटिव बट डिपर्चर नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा, डिपर्चर पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप यहां से यहां तक जाते हो तो आप ऑब्वियसली ईस्ट की तरफ जा रहे हो, इस पॉइंट के रिलेटिवली ईस्ट में ये पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के नॉर्थ में ये नहीं है, ये साउथ में है, ठीक है, तो आप लोगों का डिपर्चर क्या हो जाएगा, मतलब लैटिट्यूड माइनस हो जाएगा, डिपर्चर प्लस रहेगा,
यहाँ पे अगर आप लोग इस तरह से कंसीडर करोगे तो ये ना नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ से जब आएगा, यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो ये पॉइंट नॉर्थ की तरफ नहीं साउथ की तरफ जा रहा है, साथ ही साथ ये पॉइंट वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी निगेटिव होगा, लैटिट्यूड भी निगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे हो ना किस तरीके से हमें लैटिट्यूड और टेम्परेचर को कंसिडर करना है। ओके मैं जस्ट इसको जस्ट आप लोगों को समझने के लिए नॉर्थ एंड ईस्ट को यूज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में लैटिट्यूड एंड डिपर्चर का डायरेक्शन आप लोगों को देखना पड़ेगा। नॉर्थ के डायरेक्शन का मतलब है पॉजिटिव लैटिट्यूड, ईस्ट का डायरेक्शन मतलब है पॉजिटिव डिपर्चर, वेस्ट का मतलब है निगेटिव डिपर्चर और साउथ का मतलब है निगेटिव लैटिट्यूड। ओके तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स को आप लोग को याद रखना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्लोज ट्रेवर्स में क्या होता है। ओके एक क्लोज ट्रेवर्स को हम कंसीडर करते हैं। ओके और उसमें टोटल लैटिट्यूड एंड डिपर्चर में क्या डिफरेंस आते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ओके एकदम सिंपल समझने के लिए समझ लीजिए ये हमारा एक ट्रेवर्स है। ओके ये ट्रेवर्स को हम कंसीडर करने वाले हैं, इसमें बहुत सारा नॉर्थ एंड ईस्ट पॉइंट आप लोगों को मिलेगा। जस्ट इसको कंसीडर कर रहा हूं मैं, समझ लीजिए मैंने ये पॉइंट को यहाँ पे डाल दिया। ओके तो अगर आप देखोगे, आप लोग देखोगे तो ये जस्ट आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग के लिए है नॉर्थ, और ये मतलब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाने के लिए। अगर आप लोग देखोगे ये पॉइंट जो है लैटिट्यूड पॉइंट ए, पॉइंट ए पी लाइन का अगर आप लोग डिपर्चर कंसिडर करते हो तो आप लोगों का डिपर्चर कितना है, मैं यहां से कंसिडर करता हूँ, आप लोगों का डिपर्चर होगा बी के नीचे तक आएगा, इतना डिपर्चर होगा। ओके तो मैं इसको प्लस 10 कंसिडर करता हूँ क्योंकि ये ईस्ट की तरफ आ रहा है 10 मीटर, समझ लीजिए। बाद में हम बात करेंगे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अभी के लिए आप लोग मान लीजिए ये लाइन का लेंथ है 10 मीटर। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा अगर मैं नॉर्थ की तरफ कितना डिस्टेंस माना है, इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ की तरफ कितना डिस्टेंस गया है, ठीक है, ए से लेके बी तक जो हमारा पॉइंट नॉर्थ की तरफ कितना गया है, इतना गया है, समझ लीजिए ये हमारा 7 मीटर पॉजिटिव डिरेक्शन में गया है। ओके अब बी से लेके सी तक देखते हैं। ओके बी से लेके सी तक देखेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली बी से लेके सी तक जो है ये ईस्ट की तरफ ही जा रहा है। ओके ईस्ट की तरफ जा रहा है तो समझ लीजिए ये भी हमारा पॉजिटिव 10 मीटर हमारा आगे गया है। लेकिन अगर हम बी से लेके सी तक नॉर्थ कितना गया, नहीं गया कितना आया है ये एक्चुअली यहां तक आ गया है। ओके ये ओरिजिनल यहां से यहां तक आ गया था, अब बी से लेके सी तक आते थे ये यहां तक आ गया, अब ये हो गया -7 मीटर। ओके तो इसका जो लैटिट्यूड है माइनस में आ जाता है, डिपर्चर अभी भी पॉजिटिव है, डिपर्चर यहां पे डिपर्चर पॉजिटिव है, लैटिट्यूड भी पॉजिटिव है। ओके फिर सी से लेके डी तक पॉइंट को देखते हैं, यहां पे अगर आप लोग देखोगे ये लाइन जो है ये पॉइंट जो है सी से लेके डी तक जब ट्रेवल करेगा तो सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक आप लोग देखोगे डी पॉइंट सी का रिलेटिवली साउथ की तरफ है। ओके और साथ ही साथ डी पॉइंट सी से रिलेटिवली वेस्ट की तरफ है। ओके वेस्ट की तरफ होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और डिस्टेंस के हिसाब से ये भी हमारा -10 मीटर हो जाएगा, और ये डाउन आया है तो ये -7 मीटर हम कंसिडर कर रहे हैं। जस्ट आप लोग ये वैल्यू कैसे है अभी आप लोग देखिए जस्ट एक वैल्यू है। ओके तो बी से लेके सी से लेके डी तक जब आया तो वो बेसिकली क्या आया, वो वेस्ट की तरफ गया, सी से लेके डी का मतलब डी का जो पोजिशन है सी का वेस्ट की तरफ है और सी का साउथ की तरफ है। ओके सिमिलरली डी से लेके ई तक अगर हम कंसिडर करेंगे तो फिर से हमें वही लाइन आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, तो जैसे लेके डी से लेके ए तक वो क्या आया है निगेटिव डिरेक्शन में वेस्ट की तरफ गया, मतलब ईस्ट की तरफ नहीं वेस्ट की तरफ गया, तो ये भी -10 मीटर होगा। और डी से लेके ए तक जब गया है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, डी से लेके ए ऊपर की तरफ है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो हमारा लैटिट्यूड होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव, क्योंकि डी से लेके ए ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम कंसिडर करेंगे +7 मीटर। ओके
तो अगर आप लोग देखोगे ये है लेटिट्यूड, ये एक लेटिट्यूड, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों को मिलता है ये एक लेटिट्यूड, ये एक लेटिट्यूड, तो हमारा वैल्यूज क्या होगा, +7 -7, ठीक है, -7 +7, तो ये हो जाता है 0। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो समेशन ऑफ ऑल द डिपर्चर आप लोगों को मिल रहा है 0। ओके, सिमिलरली अगर आप लोग समेशन ऑफ ऑल द लेटिट्यूड करोगे ए से लेके बी तक जाने पर, हमारा जो सॉरी मैंने डिपर्चर लेटिट्यूड की जगह डिपर्चर लिखे, ओके फिर से एक बार कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम डिपर्चर को लेटिट्यूड को कंसिडर करते हैं, लेटिट्यूड देखिएगा ए से लेके बी 7 मीटर नॉर्थ की तरफ गया तो पॉजिटिव 7, बी से लेके सी 7 मीटर साउथ की तरफ गया तो -7 मीटर, सी से लेके डी अनदर सी से लेके डी, डी सी का रिलेटिव भी साउथ की तरफ है तो -7 मीटर, और डी से लेके ए हमारा डी से लेके ए पॉइंट जो है डी ऊपर की डी से लेके ए जाते जाते बेसिकली ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा +7 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 0 मीटर, टोटल समेशन ऑफ टोटल लैटिट्यूड 0। सिमिलरली टोटल डिपार्चर को अगर आप देखोगे ए से लेके बी ईस्ट की तरफ है तो +10, बी से लेके सी ईस्ट की तरफ है तो +10, सी से लेके डी वेस्ट की तरफ है तो -10, डी से लेके ए अगेन वेस्ट की तरफ है तो -10, तो यहाँ पे भी आप लोगों को मिलेगा 0 मीटर। ओके, यहाँ पे सभी साइजेस मतलब ये एक सिमेट्रिक शेप है तो आप लोग बोल यहाँ पे तो ऐसे ही होगा, लेकिन अगर आप लोग एक अनसिमेट्रिक सेक्शन ही लोगे, ठीक है, अनसिमेट्रिक सेक्शन के आप लोग अगर लेते हो जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं जस्ट राफली ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोग देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये क्लोज होता है तो इसका मतलब अगर ये एक्चुअली में क्लोज ट्रेवर्स है तो इसका समेशन ऑफ लेटिट्यूड विल बी 0, समेशन ऑफ डिपर्चर विल बी 0। क्यों होता है, लेटिट्यूड का मतलब है कितना ईस्ट की तरफ गया, डिपर्चर का मतलब है लेटिट्यूड का मतलब है कितना नॉर्थ की तरफ गया, डिपर्चर का मतलब है कितना ईस्ट की तरफ गया। आप एक बेसिक नॉलेज से जानते हो ए पॉइंट अगर घूम फिर के ए में वापस आते हैं तो अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ना नॉर्थ की तरफ डिस्प्लेस हुआ है ना ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, ये जहां पे था वापस घूम के वहीं पे आ गया, ठीक है, तो समेशन ऑफ लेटिट्यूड विल बी 0, समेशन ऑफ डिपार्चर विल बी 0। ओके, तो ये होता है जब ये एक्चुअली में क्लोज होता है, क्लोज ट्रेवर्स में ये होता है लेटिट्यूड एंड डिपार्चर का जो साम करेंगे तो वो वैल्यू 0 मिलेगा। लेकिन अगर हमारा ये क्लोज नहीं होता है किसी कारण से, ये अगर क्लोज नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी कारण से इसको छोड़ देते हैं, किसी कारण से हमारा अगर ट्रेवर्स क्लोज नहीं होता है तो हमें उसको क्लोज करवाना पड़ेगा। ओके, हमें उसको क्लोज करवाना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नया लाइन को सर्वे लाइन को हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कि ये चीज को आप लोग देख लीजिए यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, फिर आप लोगों को जाना था यहां से लेके यहां तक लेकिन ये गया नहीं, ये ऐसा हो गया। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारा ट्रेवल को क्लोज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ट्रेवल्स का लाइन है, ट्रेवल्स का जो लाइन है बेसिकली ओरिजिनली ये पॉइंट ए बी सी डी ई, ये ए के जगह हमारा दूसरे पॉइंट पे आ जाता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं ए ए डैश। ओके, तो ए ए डैश का जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम बोलते हैं क्लोजिंग एरर, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्लोजिंग एरर। ओके, और हमें ये पार्ट को कैलकुलेट करना है, हमें इस चीज को कैलकुलेट करना है। ओके, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बाउडिल्स मेथड को बाउडिल्स मेथड को हम बेसिकली यूज करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा बाउडिल्स मेथड को हमें यूज करना है।
और इट्स मैं एकदम पूरा मेथड का डेफिनेशन को आप लोगों के लिए लिखता हूं. टू बैलेंस ए ट्रेवर्स ट्रेवर्स लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स आर Measurements are required This rule is used. It is also known as compass rule. Okay. Here, total error. Latitude and departure is distributed in proportion to the length of the sides. Basically, जो भी इसका साइड का लेंथ है उसके हिसाब से इस एरर को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश किया जाएगा. किस तरह से कॉम्पेंसेट करेंगे, देखिए ये एरर है, ठीक है, ये लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे, कभी कभी ये लाइन के बारे में भी पूछता है कि क्लोजिंग एरर का लेंथ कितना है, कितना लेंथ लगाएंगे तो ये आएगा. ओके, तो बेसिकली उसको तो हम लैटिट्यूड एंड डिपर्चर का कैलकुलेशन से कर सकते हैं, लेकिन इसको बाउंडिचेस मेथड में क्या किया जाता है कि हर एक में हम करेक्शन अप्लाई करेंगे. समझ लीजिए मैंने करेक्टेड पोर्शन को कुछ दूसरा कलर से ले लेता हूं. ओके, करेक्टेड पोर्शन को हम इस तरह से कंसिडर करते हैं, समझ लीजिए मैंने कंसिडर कर दिया, तो इस लाइन के हिसाब से इसका लेंथ को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा. ओके, एंगल को थोड़ा सा अलग कर दूंगा. ओके, फिर समझ लीजिए इस लाइन के हिसाब से इसका भी एंगल को थोड़ा चेंज करेंगे, इसका भी लेंथ को थोड़ा सा चेंज करेंगे. ओके, सिमिलरली हमारा इस लाइन के हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा. फिर अनदर ईडी लाइन के हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, और जो ई ए लाइन है, ई ए लाइन बाय ई ए डैश जो है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा. ओके, तो मैं एग्जैक्टली अच्छे से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए जो ए बी के जगह आप लोगों को अभी मिलेगा ए बी डैश, फिर बी सी के जगह आप लोगों को बी डैश सी डैश मिलेगा, सी डी सी डैश डी डैश डी डैश ई डैश, और ई से लेके ये तक हमारा इस तरह से बच जाएगा. ओके, तो बेसिकली हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बाउंडिस मेथड का यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लैटिट्यूड और डिपर्चर को कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ओके, लैटिट्यूड एंड डिपर्चर. ओके, लैटिट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द शैडो ऑफ ए लाइन ऑन वाई एक्सिस. ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, या कोई कोई इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज द
इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए लाइन. ओके, इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए लाइन या इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस तरह से भी बोला जाता है. ओके, तो इसका मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया. डिपर्चर के बारे में बात करते, सेम चीज, डेफिनेशन सेम है. वाई की जगह एक्स लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की जगह आप लोग हॉराइजेंटल कंपोनेंट बोल सकते हो. इट इज द हॉराइजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए लाइन. ओके, अब ये कंपोनेंट कंपोनेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब आप लोग ऑलरेडी शैडो जो वर्ड यूज किया है उसको देख के आप लोगों को समझना पड़ेगा. हम यहाँ पे लाइन कंसिडर करेंगे, फिर से ये ए बी लाइन को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. अब ये ए बी जो है वो बेसिकली हमारा एक्स, हमारा वाई एन एक्स एक्सिस में अपना एक कॉम्पोनेंट होगा. ओके, कंपोनेंट किस तरह से हम कंसिडर करेंगे, एकदम लाइट लाइन को ले लेते हैं. समझ लीजिए ए बी से लेकर हम एक्स एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया. फिर हम अगर बी से लेके हमारा ये एक वाई एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स मिल जाएगा कुछ इस तरीके से. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, ये मिलेगा आप लोगों को डिपर्चर, ये है डिपर्चर, और आप लोगों को मिलेगा ये लैटिट्यूड. अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बियरिंग दिया होता है, जब आप लोगों को बियरिंग दिया होता है, ओके, तो बियरिंग आप लोगों को कुछ इस तरह से दिया रहता है, नॉर्थ से लेके दिया जाता है. ये जनरली ए बी का फोर बियरिंग है. ठीक है, ये समझ लीजिए, ये थीटा जो हम कंसिडर कर रहे हैं, थीटा इज द फोर बियरिंग ऑफ ए बी. अब ए बी का फोर बियरिंग अगर थीटा है, तो आप लोगों को लैटिट्यूड अगर चाहिए, लैटिट्यूड लैटिट्यूड वो क्या होगा, वो होगा हमारा कोसाइन कंपोनेंट. बेसिकली इसका जो लेंथ है, इसका अगर लेंथ हम कंसिडर कर लेते कैपिटल एल, कैपिटल एल कंसिडर करने पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एल से लैटिट्यूड हम मानते हैं. ओके, तो कैपिटल एल की जगह हम कुछ दूसरा वर्ड को यूज करते हैं, इसको मैं यहाँ पे समझ लीजिए एक नंबर यूज करता हूं. ठीक है, जस्ट कंसिडर कर लीजिए ये 10 मीटर है. ओके, तो इसका लैटिट्यूड कितना होगा, थीटा का वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. थीटा का वैल्यू समझ लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, जस्ट मानना है आप लोगों को. तो यहाँ पे लैटिट्यूड का वैल्यू क्या होगा, लेंथ इंटू कॉस 50 डिग्री. ओके, और यहाँ पे अगर आप लोगों को डिपर्चर चाहिए, तो ये बेसिकली ये लाइन का जो लेंथ है उसको डिपर्चर बोल रहे हैं, तो ये होगा 10 into sin 50 degree. ओके, अब साइन 50 degree इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि थीटा दूसरा साइड में है. ओके ओके, तो जिस साइड में एंगल आप लोगों को मिलेगा उसको आप लोगों को कॉस कंसिडर करना है. ध्यान में रखिएगा, अगर मैं ये एंगल दे देता ना, अगर मैं आप लोग को समझ लीजिए ये एंगल, मैं जस्ट आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए नहीं, जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज देख रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा. अगर मैं इस एंगल को बोलता हूँ, ये एंगल समझ लीजिए फाई, ठीक है, फाई एंगल है. मैं बियरिंग नहीं बोल रहा हूँ, ये ना फोर बियरिंग है, ये ना बैक बियरिंग है, इसमें ध्यान मत दीजिए. ओके, तो अगर ये वैल्यू फाई है, तो मुझे लैटिट्यूड क्या मिलेगा, 10 sin 5, और यहाँ पे डिपर्चर कितना मिलेगा, 10 cos 5.
मतलब जो पार्ट के साथ एंगल बनाते हैं ना उसके साथ उसका लेंथ निकालने के लिए कॉस कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये फॉर्मूला नहीं है बाय द वे, ये अगर हमारा एंगल इस तरह से होता है तो इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फाइनली आप लोगों को कुछ लेंथ का वैल्यू मिलेगा, जिस लेंथ को आप लोगों को हर एक लाइन के लिए कैलकुलेट करना है टेबुलेट फॉर्म में, और उसके बाद आप लोगों को उसको ऐड करके देखना है कि हमारा टोटल समेशन का वैल्यू 0 आया है कि नहीं आया है। ओके, तो वही बेसिकली लैटिट्यूड एंड डिपर्चर है। ओके, तो स्टूडेंट्स बाय द वे ऑलरेडी मेरा क्लास में ये डिस्टरबेंस हो रहा है, तो ये वॉइस को लिखे ठीक है, उसको मैं कल टाउन जाऊंगा अच्छे से, अच्छा माइक में ढूंढ के निकाल लूंगा। ओके, ऑलरेडी मैंने बहुत बार ट्राई किया मेरा पुराना माइक को ठीक करने के लिए, जो कि हुआ नहीं है। तो अल्टीमेटली अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, हाउएवर मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी स्टेबल है। ओके, तो एनीवे नेक्स्ट क्लास में हम, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, आप लोग का दूसरा क्लास के लिए सर रुका हुआ होगा, वो मैसेज कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। मैं आज का कोई नोट्स आप लोगों को देने वाला, मतलब एक नोट्स को तो दे देता हूँ, लेकिन ये क्लास एक्चुअली में एक जैसे कि एक एक्सरसाइज जैसा मान लीजिए, ये क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में कल 6 बजे से, बहुत सारे स्टूडेंट 6 बजे से क्लास करने के लिए बोल रहे हैं, तो 6 बजे से शुरू करेंगे और हम इसको कल न्यूमेरिकल के साथ अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक आप लोग एक बार लैटिट्यूड एंड डिपर्चर के बारे में अपना बुक्स में एक बार जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए। थैंक यू एवरीवन।